आमंत्रित करने जा रही हैं आकांक्षा शर्मा को, जो छत्तीसगढ़ से ही आई हैं। शिव की शक्ति, मीरा की भक्ति, गणेश की सिद्धि, चालक की बुद्धि, सरस्वती का ज्ञान, बुद्ध का ध्यान, महावीर का त्याग, कर्ण का दान, राम की मर्यादा, कृष्ण का वादा और शो का दर्शन और कलाम जी का समर्पण हमारे इतिहास को स्वर्णिम और शक्तिशाली बनाता है। नमस्कार, मैं कांचा मिश्रा। आज के विषय भारत को आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ना है। इस विषय पर अपना मत रखना चाहूंगी। लोकोक्ति में कहा गया है कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में वाणी। हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां हर कोस में व्यक्ति की मति, समुदाय की संस्कृति और भौगोलिक प्रवृत्ति बदल जाती है। जहां भाषाई विविधता से साहित्य का चिंतन बदल जाता है, तो व्यवहारिक विविधता से व्यक्ति का स्वभाव। ये किसी और देश की कमजोरी हो सकती है, लेकिन हमारी विविधता हमारे लिए ताकत है, क्योंकि भारत न केवल मंगल में जीवन अपितु जीवन में भी मंगल ढूंढने की कवायद रखता है। अगर मैं बात करूं आज के विषय के तीनों आयामों को कौन जोड़ेगा, तो हमारी लोकतंत्र की आत्मा कही जाने वाले संविधान के प्रस्तावना के प्रथम पृष्ठ के प्रथम पंक्ति का पहला शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ही वो लोग हैं जो भारत को तीनों आयामों को से जोड़कर अटल जी के उन शब्दों को चरितार्थ करेंगे कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, अपितु एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। अगर मैं वर्तमान तौर पर आर्थिक तौर पर भारत को जोड़ने की मैं बात करूं, तो मुझे वो कॉलोनियल साम्राज्य याद आता है जिसमें दादा भाई नरोजी ने धन के अपहन के सिद्धांत में लिखा था कि ब्रिटिश सरकार भारत में ऐसा काम करती है कि वो गंगा की संपदा को सोख कर टेम्स में निचोड़ देती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को निचोड़ कर रखा था। लेकिन उसका एकीकरण 1991 में एलपीजी सिद्धांत, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के सिद्धांत ने किया था। वर्तमान तौर पर आर्थिक रूप से जोड़ने की बात करूं, तो हमें अंतर्राज्यीय बाजारों का एकीकरण करना होगा, कुटीर उद्योगों को अंतर्राज्यीय आदान प्रदान की पद्धति में लाना होगा। हमें जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जाता है, वो रास्ता शहर से गाँव की ओर विकास हेतु लाना होगा, तब जाकर हम आर्थिक तौर पर जुड़ पाएंगे। और वर्तमान दौर पे जिसे हम फटी हुई जीन्स को जहां फैशन कह रहे हैं और पिज्जा और बर्गर को पौष्टिक बोल रहे हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति दोनों को नुकसान पहुंचा रही है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं भारत को भौगोलिक तौर पर जोड़ने की, तो मुझे वो स्वर्णिम चतुर्भुज याद आता है जिसने हमारी सड़कों को उन्नति की ओर ले गए थे। वर्तमान में हमें भौगोलिक नवनिर्माण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। सड़कें सुरक्षित होनी चाहिए, रेल विश्वव्यापी और स्वच्छ होना चाहिए और उड्डयन व्यवस्था जन सामान्य तक पहुंचना चाहिए, तब जाकर हम भौगोलिक रूप से भी सक्षम हो पाएंगे। और रही बात भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने की, तो NSS, NYKS, अंतर्राज्य विचार आदान प्रदान, अंतर्राज्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, जब का आंध्र प्रदेश के लोग गरबा सीखेंगे और गरबा और गुजरात के लोग कुचिपुड़ी सीख पाएंगे, तब हम सांस्कृतिक रूप से एकीकरण हो पाएंगे और एक दूसरे की लोक नृत्य और लोक कलाओं का सम्मान करके हम भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ सकते हैं। और अंत में आज के ही वक्तव्य का मैं उदाहरण देते हुए कहूंगी अंत में कि मिट्टी चाहे किसी भी प्रांत की क्यों ना हो, उसमें खुशबू हिंदुस्तान की होती है। मेरी वाणी पर जरूर कीजिएगा विचार, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।